लेकिन फिश फार्म पिछले साल हमने अप्रैल में मछली डाली थी और इस साल जनवरी में हार्वेस्ट कर रहे हैं। आज 8 तारीख है 2020। 2019 में हमने ये मछली का सीड डाला था, इसका ये रिज़ल्ट आया है। काफ़ी छोटी रही है इस दफ़ा, हमारी गुलफाम बहुत छोटी रही है और मुरा रोहू बड़ी, थोड़ा सा रोहू ने वज़न किया है, रोहू मछली ने, ये मुरा की है। ये मुराकी मछली है, रोहू रोहू दिखाएं, रोहू मछली। ये हमने 2 इंच का बच्चा डाला था तो ये अभी इसने 10 महीनों में इतना वज़न किया है, ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स को ये कहूँगा कि आप बताएं कि और पिक्चर साफ आ रहा है। इधर दिखा, इधर दिखा ना, ये देखो, ये सिल्वर बहुत ही छोटा है। इसको क्या हो गया, सिल्वर को पोलियो हो गया। मेरी वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको गुजारिश है कि शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लाइक करें इसको 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 लाइक दें। कहाँ लाइक मिलेगा? अच्छा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये मेरा सेकंड फिश फार्म है जो कि पिछली दफ़ा जो हमने हार्वेस्ट की थी वो उसकी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाली हैं। अभी इस पे पूरा मैं इंशाल्लाह मंडी लेके जा रहा हूँ, मार्केट के रेट भी आपको शेयर करूँगा। और मेरी जो जितनी भी मछली है ये रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, इनका वज़न और इनका एवरेज वेट मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। और जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं मुझे, उनसे गुजारिश है कि वो ये बता दें कि वीडियो की क्वालिटी और आवाज़ ठीक आ रही है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ठीक आ रही है भाई, अच्छा आवाज भी ठीक आ रही है। पकड़ 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 पकड़ो पकड़ो अंत देते जाओ। काटो काटो ना पन, काटो पन और काटो। पन रख के बाल लगा देंगे, पन रख लें उसके ऊपर तरपाल बांध देंगे। इसको इसको पकड़ लेता ना, जाली को पकड़ के भाई को पकड़ा। अब तक व्यूवर्स बहुत कम है, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें मेरी वीडियो। ये लाइव आ रहा हूँ मैं इस वक्त, अपने फिश का रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ आपको। एक दारो को दाना दे दो यार, साईं ने बोला है। किसको? वो ही नहीं, दारो को मशीन जो चला रहा है, वो तालाब का उडार भी निकाल रहा है अपने वाला, छोटे वाले का। कौन सा मशीन वाला? ये नहीं मशीन चल रही है ब्रांच पे। अच्छा अच्छा अच्छा, दे दो बस, इसको देंगे हम। दे बोला अभी देते हैं। हाँ अभी आया था इधर खड़ा, मैंने बोला कल देंगे। ओ फिर मुराद आ गए,
अच्छा इसको मछली देनी है, एक दाना दे दे इसको, कल भी निकालेंगे ना आखिरी दिन, मैं हिसाब करके सबको दूंगा। अभी इसमें से उधर से उसका भी दे दो जान थोड़ा, तो मशीन वाला खड़ा है वो दारो, वो दो बस दाना दो, मशीन वाले को दे देंगे बस, सही दे दे रख दे। बस उधर उधर देख, उधर देख, उधर देख, छोड़ पन में डाल देगा मुंह इसका। अभी वो जो आखरा आख इसमें नहीं है और बड़ी है ही नहीं मछली, सारी छोटी है, देखो सुजुकी छोटी छोटी मछलियों से भरी हुई। हाँ साई को इंशाल्लाह देंगे, टेंशन नहीं है क्योंकि अभी तो दो तीन दिन की का काम है। गोल्डन रंग का गुलफाम है वो थे, इसमें बीच और भी हैं, काफी गोल्डन है इसके अंदर, खूबसूरत कितनी लगती है, सोने का मछली, सोने की मछली निकली है हमारे तालाब से। जितने भी दोस्त हैं देखने वाले उनसे पूछना चाहता हूं कि वीडियो और साउंड अच्छा आ रहा है, जो भी क्वेश्चन है अभी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मंडी जाऊंगा मैं और मछली का जो क्या रेट लगता है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा और आज के रेट भी अपडेट करूंगा। आज हफ्ते का दिन है, 8 तारीख 9 तारीख है दरअसल, सॉरी मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ, 9 तारीख है और हफ्ते का दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं दोस्तों को बोलूँगा जितने भी फ़िश फार्मर देख रहे हैं वो अपने ग्रुपों में ये वीडियो लाजमी शेयर करें, उनको पता है, उनको इंशाल्लाह आगे भी फ़ायदा होगा। मंडी जाऊँगा वहाँ के रेट भी दिखाऊँगा, अभी ये मछली हार्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और मेरे चैनल में और भी काफ़ी सारी, ये जो मैंने मछली डाली थी फिर से बताऊंगा कि अप्रैल के महीने में डाली थी, अप्रैल मार्च के महीने में 2019 में, 10 महीने का इसका रिजल्ट आया। रोहू जो था मेरा 2.5 इंच का था, बकाया सारी मछली 1 इंच की थी जिसमें ग्रास 1 इंच का था और गुलफाम 1 इंच का था, सिल्वर 1 इंच का था, बहुत छोटे साइज में डाली थी और ओवर क्वांटिटी डाली थी। फिर भी इन्होंने 3 पाव मैक्सिमम वजन किया, रोहू ने किलो भी कोई कोई गई है, आप ये देख सकते हैं, सिल्वर भी गई है किलो तक गई है, 3 पाव किलो तक गई है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में फेसबुक में शेयर करें वीडियो को। और कमेंट्स भी करें, अपने सवालात पूछ सकते हैं। एक 50 हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2:30-3 बजे के करीब मैं पहुंच जाऊं मंडी। और वक्त बचाना चाहिए, जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होता है, मंडी पहले पहुंचना चाहिए, आपका माल सबसे पहले आना चाहिए क्योंकि उस टाइम कस्टमर आते हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं होती। दया है दिखा उसमें, 15 दाने इस जाल में आए अब तक। ये मैं आपको बताऊंगा कि सुजुकी में जो हमने डाले हैं कितने दाने डाले हैं वो बताता हूँ। अबे दयान अभी क्या दया बन ना, कुछ भी नहीं, कुछ बाबा दया बेटा सही
नहीं नहीं दया अभी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। 15 15 इस जाल में आएगी ना गाड़ी, वापसी आएगी। हाँ हाँ ये दे दे सारा, इसमें सारा दे, बस ये एक हापे समेत रखो। नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी खोलना नहीं है, वो अभी इधर ही है यार, कहीं जा थोड़ी रहे हैं, अभी 3-4 दिन का काम है। ठीक है अभी ये इस ग्रीन में जो था वो तलापिया मछली थी, तलापिया मछली जो है वो आपको इंशाल्लाह मंडी में दिखाएंगे क्या साइज था हमारा तलापिया मछली का। अभी इंशाल्लाह मंडी की तरफ हम जा रहे हैं, अभी गाड़ी लोड हो गई है, अभी अब तक हमने जो निकाले हैं दाने वो आप देख सकते हैं कापी में लिखे हुए हैं, शायद कैमरे की आंख आपको दिखा रही है नहीं, 180 130 और 15 ये टोटल साइज निकले हैं। ये कौन सी मछली है, गाड़ी में रख दे, गाड़ी में रख दे, रख दे गाड़ी में। अच्छा मजिस कर रात के लिए, बोर्ड के लिए एक 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 दो निकाल ले, रात को पका के लाना। अभी इनको बस ये जो नहीं है कोई भी निकाल ले, जो जो तू जो अच्छी बनेगी वाली निकाल ले, हमारे लिए रात को खाएंगे। हाँ सिल्वर सही है, दूसरे में कांटे होंगे सर, सिल्वर में कांटे नहीं होंगे, बड़े कांटे। अच्छा देख ले, गुलफाम आज निकाल, छोटा है। अच्छा ठीक है वो निकाल ले, सिल्वर है दो दाने, एक सिल्वर निकाल ले एक रोहू निकाल ले, रात को पका के लाना, खाएंगे इंशाल्लाह रात को। ये इंशाल्लाह बस सही है, पन रख दे, अभी कुछ भी नहीं निकालना जा रहे हैं इसमें से, टोटल जो मंडी जाएंगे वो दाने में इधर लिख लेता हूँ, 2 जमा 2 जमा 1। ये अब तक फिश निकली है, इधर ही लाएंगे आप गाड़ी में वापसी लाएंगे, कोई नहीं मंजूर तू इधर ही है, ये मंडी चल रहा है, हाँ पीछे बंदा बैठेगा ना एक, यार वो मेरा बैग लिया, बैग लिया। नाज़रीन अब तक इतना ही, अभी हम मंडी की तरफ जा रहे हैं और फिर आपको बताएंगे कि किस कितने में सेल हुई हमारी मछली है और क्या वज़न रहा, टोटल वज़न कितना था इस सुजुकी में। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि फार्मर फ़ायदा उठा सकें, यहाँ रेट की मालूम हो जाएगी उनको, मंडी की मालूम हो जाएगी। कराची गुलशन हदीद की मंडी में लेके जा रहा हूँ, ओके मिलते हैं मंडी में इंशाल्लाह। Thank you.